सर आगरा शहर आप कहाँ से घूमने आए हैं? सर इंदौर से आए हम लोग और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कैसा शहर की यदि बात करूँ कैसा है शहर? अच्छा है लेकिन थोड़ा हम जहाँ से आ रहे हैं जो नंबर वन है साफ सफाई के मामले में उसके कंपैरिजन में हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए या कि गवर्नमेंट को तो और अच्छा रहेगा। इतने लोग यहाँ से बाहर से आते हैं तो इसको और ज़्यादा साफ़ सफाई रखना चाहिए और जो आई साइड जो कूड़ा कचरा है उसे और साफ़ करना चाहिए गवर्नमेंट जो यहाँ पे। हम लोग इंदौर से हैं और इंदौर अभी इंडिया में नंबर वन साफ़ सफाई पर चल रहा है तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर साफ़ सफाई पर तवज्जो दी जाए तो उस पर और खिल के ये जो इतनी वर्ल्ड इसके अंदर हेरिटेज है उसकी बूटी पे चार चांद लग जाएंगे। ब्यूटी पे चार चांद लग जाएंगे। मैम यदि मैं सड़कों की बात करूं तो सड़कें आपको कैसी नज़र आई यहाँ की? क्या गड्ढे वाली सड़कें नज़र आई या फिर सड़कें बनी कुछ ऐसा नज़र आया आपको? नहीं सड़कें तो मेंटेन है लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक और ये सब थोड़ा प्रॉपर वे में अगर ध्यान दे तो मैनेज होए तो बहुत अच्छा रहेगा। और गंदगी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब हाँ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर अवेयरनेस आ जाए यहाँ पर आसपास जनता में यहाँ के लोग हाँ क्योंकि इंदौर भी हमारा जो है वो जनता की अवेयरनेस से ही आज चौथी बार मतलब जो अवार्ड जीता है तो जनता ही अवेयर हुई है वहाँ की तो ये अवार्ड जीत पाई है। तो इसलिए कि इतनी वर्ल्ड हेरिटेज होने के बावजूद इसकी साफ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान अवेयरनेस। और यदि मैं रेड लाइट्स की बात करूं या फिर यहाँ के खंभों की जैसे कि कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरेज की बात करूं तो आपको कुछ नज़र आया? सर उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है लेकिन हो सकता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रही हो। मेरे को तो वो प्रॉब्लम ऐसा कोई फेस करने का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस। वैसे शहर आपको अच्छा लगा? जी हाँ।